हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की हमारी सीरीज, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे कॉलेज, बहुत सारे ऐसे डिग्रीज बच्चों को पता नहीं होती। अगर आपने किसी और कॉलेज के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो एक बार देख लें, इसमें से क्या आपके काम लायक है आप वो जरूर देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो एक ऐसी डिग्री है जो IIT मद्रास से आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको JEE एडवांस के थ्रू जाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप JEE एडवांस के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन विदाउट JEE एडवांस भी एक तरीका है यहाँ पे जाने का, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे ये इंटरनेट पर बहुत ही पॉपुलर डिग्री बन चुकी है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जो कि डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में आपको कराया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी कराया जा रहा है। तो ये दो कोर्सेस रन करता है IIT मद्रास, ठीक है। तो समझ लीजिए कि विदाउट IIT JEE दिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, स्वागत है। लेकिन हाँ, पढ़ना लिखना तो IIT के अंदर भी पढ़ता है, बाहर भी पढ़ना पड़ता है, पता ही है आपको। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन IIT मद्रास, दो इसके कोर्सेस हैं। पहला है BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, दूसरा है BS इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। मामला क्लियर? यस सर। आइए चर्चा करते हैं पहले BS डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन पर, ठीक है। यही है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तो देख लेते हैं भैया इनके बारे में। अबाउट BS डिग्री क्या लिखा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फोर ईयर बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, जो कि आपको मतलब ये डिग्री देंगे डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस, इस ये कोर्स पढ़ाएंगे आपको विथ ऑप्शन टू एग्जिट अर्लियर इन द फाउंडेशन डिप्लोमा या BSc डिग्री लेवल कोर्सेस। इन तीन लेवल पर आप क्या कर सकते हो, निकल सकते हो। मतलब आप समझो कि इसके अंदर ना चार लेवल का कोर्स होता है, जिसको आपको मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कितने लेवल तक जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने रेगुलर एंट्री के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद IIT मद्रास आपको देगा भैया जी वीडियोस देगा, लाइव लेक्चर्स लेगा, असाइनमेंट्स देगा, जो कि आपको करके सबमिट करना होता है। तो जो शुरू के चार वीक होते हैं उनमें आपको ये चीज़ें देखनी होंगी, पढ़नी है, समझनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक क्वालिफायर एग्जाम्स देना, जो कि IIT मद्रास लेगा। अगर आप क्वालिफायर एग्जाम के अंदर पास कर जाते हैं तब जाकर के आप फाउंडेशन लेवल के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल है फाउंडेशन लेवल, तो इसके पहले आपको क्वालिफायर एग्जाम देना पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है। अब जब आप फाउंडेशन लेवल को क्रॉस कर जाएं, पढ़ लिख लें, तब मान लीजिए आपका मन है कि नहीं अब इसके आगे मेरे को नहीं बढ़ना, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा फाउंडेशन लेवल का। जैसे देखिए यहाँ पे क्रेडिट्स लिखा है, 32 क्रेडिट्स। जैसे हमारी IITs में होता था कि एक डिग्री के लिए चार क्रेडिट असाइन होती है, एक डिग्री बोल दिया मैंने, एक कोर्स के लिए वहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, तो एक कोर्स के लिए चार क्रेडिट्स वहाँ पर रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि यार एक कोर्स रहता है, अब मान लो एक 6 महीने का एक कोर्स है, तो 6 महीने के एक कोर्स के लिए वो मान लेंगे कि भैया ये 2 क्रेडिट का है, या कभी कभी मान लेंगे वो 4 क्रेडिट का, वो आपको बताया जाएगा कितने क्रेडिट के कितने कोर्सेज होते हैं। इस पे ज़्यादा सरदर्द देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको क्या जानना है कि फाउंडेशन लेवल, इसके बाद आप डिप्लोमा लेवल पे जाते हो। आपका मन ने भी हम आगे नहीं जाएंगे डिग्री लेने, हमें को यहीं से या डिप्लोमा लेकर के निकलना है, जॉब करनी है, तो आप यहां से निकल सकते हैं। जो एग्जिट आपको मिल जाएगा डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, इसको लेकर के आप निकल सकते हो। आपने डिप्लोमा कर लिया, इसके बाद आप डिग्री लेवल BSc पे चले जाओगे। आपने ये कंप्लीट कर दिया, तब आप फाइनल डिग्री जो कि BS डिग्री है, अगर आप यहाँ से निकलोगे तो आपको बाकायदे भैया डिग्री अवार्ड की जाएगी, जो कि होगी BS डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, यही इनकी मेन डिग्री है, ठीक है। अगर आप BSc लेवल पे निकलते हो तो BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस का मिलेगा, ठीक है। ये क्रेडिट्स में डिवाइड किया गया, एक एक स्टेप करके आप आगे यहाँ पर बढ़ते हो, नहीं करना है तो एग्जिट करके निकल भी सकते हो। ये इस तरीके का पूरे दुनिया का पहला ऐसा कोर्स बनाया गया है ना। एक्चुअली ये इसलिए बनाया गया, मैं आपको बता देता हूँ, स्पष्ट जान लीजिए, ये सिर्फ 12th पास बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। ये किसी भी एज के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एज के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही मिनिमम कंडीशन इन्होंने जो डाली है वो ये है कि आपका 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये होना जरूरी है, और केमिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी कोई फ़ायदा नहीं, फिजिक्स पढ़िए इस सबको नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश वो भी क्लास 10th लेवल में होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखेंगे, मेरे बात, यस सर। आपने तो पास ही कर लिया है, बाकी अगर कोई ऐसा दिख रहा होगा तो उसके भी काम आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं भैया, क्लास 12th पास होना, देखिए एक तो क्लास 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th नहीं पास होंगे तो आपको कोई बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री तो नहीं देने वाला ना,
क्योंकि ट्वेल्थ के बाद ही वो डिग्री मिल सकती है, तो वो पास होना जरूरी है। हाँ, अप्लाई आप 11th से कर सकते हैं, पेपर ऊपर सब दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके लिए एक ये है कि आपका क्लास 12th भाई पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 11th में आ गए, आपने भर दिया, आप ये सब पढ़ने लग गए, क्लास 12th ही आपसे पास हुआ नहीं जा रहा, फिर तो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। समझ गए बात को? हाँ, घर पे भैया इंटरनेट कनेक्टिविटी बना के रखना, लैपटॉप डेस्कटॉप ऐसे कोई डिवाइसेस होना जरूरी है, क्योंकि भैया क्विज होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, इन सब में आपको समझ रहे हो ना, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी तो बातचीत हो पाएगी आपकी। ऐसा नहीं कि भैया वो सवाल पूछ रहे, तुम कह रहे हो अरे लटक गया भाई, इधर नहीं दिख रहा कुछ भी, तुम क्या बोल रहे हो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि अपन को आ नहीं रहा है ना। अच्छा, अगला क्या है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एप्लीकेंट्स हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन क्लास 10। ठीक है, अगला देखते हैं भैया। दो तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। पहला तो आपको बताया जो कि कैसे क्वालिफायर एग्जाम्स वगैरह देना होगा, उसी को कहते हैं रेगुलर एंट्री मोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि क्वालिफायर प्रोसेस होगा भाई, जो आपको वीडियो सॉल्यूशन वगैरह मिलेगा, पढ़ना लिखना है, फिर क्वालिफायर एग्जाम देना है। उनके बारे में बता देता हूँ, क्वालिफायर प्रिपरेशन भी आपको ये करवा रहे हैं, है ना, वीडियो सॉल्यूशन देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, फिर देखिए लाइव सेशंस लेंगे। ये कहानी कब तक चलेगी? 4 वीक तक चलेगी। ठीक है, और इन 4 वीक्स में आपको 4 असाइनमेंट देंगे जो आपको उनको सबमिट करना रहेगा। अब सर वो वीडियोस किसकी रहेंगे, उसमें वो क्या पढ़ाने वाले हैं, ये कोर्सेज पढ़ाएंगे। देखिएगा, इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस पढ़ाएंगे, स्टैट्स फॉर डेटा साइंस पढ़ाएंगे, इसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाएंगे। तो इनके बारे में कोर्सेज हैं जिनके उन्होंने लेक्चर वीडियोस बना रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है, असाइनमेंट देना है। और समझना ध्यान से, जब आप क्वालिफायर एग्जाम को पास कर जाते हैं तो समझना वो भी अच्छा, पास करने में भी लेवल लगा रखा है इन्होंने कि किस लेवल पे आप पास करते हो, आगे भी चर्चा होगी। एट द एंड ऑफ 4th वीक ए क्वालिफायर एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कंटेंट कवर्ड इन द 4 वीक्स ऑफ द स्टडी। समझ बात आ गई? तो ये इसके हिसाब से आपके क्वालिफायर एग्जाम हो जाएंगे, और आप पास करेंगे तो आप तुरंत ही फाउंडेशन लेवल में एंट्री कर चुके होंगे। आइए अगला देखते हैं, जेई बेस्ड भी है ना, और यहाँ पे भी वही काम है कि वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वो कोर्सेस यहाँ पे भी सेम लिखे गए हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला, क्विज वगैरह होगा। पहले क्या लिखा है, अपीयर फॉर इन पर्सन क्विज ऑफ 4 आवर्स ड्यूरेशन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ 4 वीक्स ऑफ कोर्स वर्क, जो आपका कोर्स वर्क है इसके बाद आपका क्विज होगा 4 घंटे का, उसमें आपका अपीयर होना जरूरी है, तब आपको आगे का मिलेगा। आगे देखिए, रजिस्टर फॉर कोर्स एट फाउंडेशन लेवल बेस्ड ऑन द क्विज कोर्सेज। अब देख ले भैया, अब पीछे वाले का तो मैंने समझा दिया कि डायरेक्ट आपको अब फाउंडेशन में एंट्री मिल जानी है। जेई वाले के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या है, जो आपके क्विजेज हुए हैं उनके नंबर के आधार पर आपको क्या करनी है भैया, नंबर के आधार पर आपको एडमिशन लेने पड़ेंगे। अगला देख लीजिए, अगर आपका जो एवरेज नंबर है एम, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, हाँ, एवरेज स्कोर ऑफ 4 कोर्सेस एम विल बी डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेस एट ए स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर इन या इन द फर्स्ट टर्म। ठीक है, देख लेते हैं क्या है? ये जो एम है, अगर मतलब कि आपका जो ये 4 कोर्सेस आपने पढ़े, आपने ये जो चार कोर्सेस पढ़े, अगर मान लीजिए इसका एवरेज स्कोर एम आया, और वो एम जो आपका स्कोर आया वो 50% से, या सिंपल बोलता हूँ यार, 50% से कम नंबर आए, स्कोर आए, तब आपको 2 कोर्सेस तक रजिस्टर करने देंगे। और अगर आपको जो आपका एवरेज स्कोर है वो 70 से 50 के बीच में आया तो 3 कोर्सेस, अदरवाइज अगर आप मान लीजिए ज़्यादा नंबर ला देते हो 70% से भी, तो आपको 4 कोर्सेस तक रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे भैया इन सब पर, ठीक है, एक तरीके से आपको ये पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि मैंने एक कोरा पे पढ़ा कि बच्चा कहता कि मतलब कमेंट किया हुआ है कि मैं तो एक डिग्री ले रहा हूँ, ये भी मैं भर ही देता हूँ, ये भी मैं यूजली पास कर जाऊँगा। देखो, डिग्री करना एक करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं पढ़ना है, या पढ़ना पड़ेगा तब जा करके आप पास कर पाएंगे। अगर मैं बीएस डिग्री तक की बात करूँ, नॉर्मल फाउंडेशन वगैरह निकल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आती है। प्रोग्रामिंग वगैरह का बेसिक पढ़ाते हैं, C++, कभी पाइथन की शुरुआत हो गई, तो ये सब तो निश्चित रूप से बच्चे कर जाते हैं। अगला देखते हैं, फी स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखा है, ईच टर्म पे ओनली फॉर द कोर्सेज यू रजिस्टर फॉर इन दैट स्पेसिफिक टर्म। अगर फाउंडेशन ही आपका सिर्फ गोल है कि भैया हमको सर्टिफिकेट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो आपको 32 क्रेडिट कंप्लीट करनी है और 32,000 रुपये देने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं भैया फाउंडेशन के साथ 1 डिप्लोमा कंप्लीट करें, तो आपको इतने रुपये देने पड़ेंगे, ये क्रेडिट्स है। 2 डिप्लोमा के लिए इतने लगेंगे भैया, पैसा यहाँ पे लिख रखा है, लिए इतना ट्यूशन फीस भरना पड़ेगा। बीएससी डिग्री तक के लिए इतने क्रेडिट कंप्लीट करिए आप, और ये आपको फीस भरना पड़ेगा। ये बीएस डिग्री जो फाइनल डिग्री है, ये रहा भैया इतने आपके रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, इसमें पे छूट वगैरह भी मिलती है, इसकी चर्चा लास्ट तक कर दी जाए, निश्चिंत रहिए।
फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। देखो यूजुअली IITs में जो होता है ना कि एक ब्रैकेट होता है कि 1 लाख से नीचे रहा तो आपकी फ़ीस जो है नहीं लगती, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी 75% फीस जो है माफ़ कर दी जाएगी अगर फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से क्या होगी नीचे निकली। किसके लिए? जनरल OBC एंड EWS के बच्चों के लिए। लेकिन SC ST एंड PWD के बच्चों के लिए अब फैमिली इनकम पर डिपेंड नहीं करता, वो 75% अपने आप माफ़ रहेगा। अगला देखेंगे, अभी आगे संपर्क चर्चा करूंगा मैं। अप्लीकेशन जो फीस लगेगी, अभी अप्लीकेशन जो भरना है आपको, जनरल कैटेगरी और OBC के लिए भैया 3,000 रुपये लगेंगे। SC ST एंड PWD, एक बात याद रखना, ये डिसेबिलिटी जो है वो 40% के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ PWD के अंदर। बाकी SC ST बच्चों के लिए भी यही 1,500 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा SC ST के अंदर है और वो उसके अंदर मतलब ये मोर देन 40% डिसेबिलिटी है तो ये बात जान ले कि उसको केवल 750 रुपये ही देनी। ठीक है, ये बात यहाँ से समझ में आ गई अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट फॉर मई 2023 बैच के लिए, ये इम्पॉर्टेंट डेट है, देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा 10 मई 2023 तक। ठीक है, क्वालिफायर फेज इन सब पे लिखा हुआ, आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैंने आप पीछे समझाया है ना। री अटेम्प्ट वगैरह करने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक बार एग्जाम दिया आपने क्वालिफायर और फेल कर गए तो दोबारा नहीं भर सकते हैं, तो री अटेम्प्ट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपको काम आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो काम का है वो 10 मई 2023 से पहले फॉर्म भरना है। कोर्सेज की बात क्या ही बताऊँगा, वहाँ पर जाकर पढ़ लेना। ठीक है जी, यहाँ पे वही है, डेटा साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश है, प्रोग्रामिंग देखिए, पाइथन पढ़ाने लग जाएंगे आपको। ठीक है, अगला देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस, इसमें ये पढ़ाने वाले, इसमें ये पढ़ाने वाले, ये कोर्सेस हैं, बस जस्ट ऐसा दिखा रहा हूँ, एक बार देख लो कि क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, अगला है BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। चलिए भैया इनके बारे में बातचीत चक्कर लेते हैं। ठीक है, थ्री लेवल एंड अ लर्नर हैज़ टू सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल थ्री लेवल्स टू गेट द BS डिग्री फ्रॉम IIT मद्रास। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी टू एग्जिट एट एनी लेवल, वो तो बात हम कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, इन सब पर चर्चा हो चुकी है, ये ऐसा था कुछ आपने देखा था ना, यहाँ देखिए ऐसा सा कुछ आपने देखा था, बस यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं नजर आएगी, वो होगी BSc डिग्री। यस, क्योंकि 3 लेवल का है। कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट की। डेटा साइंटिस्ट में 4 वाले था, यहाँ पे क्या था भैया? 3। ठीक है, एक फाउंडेशन लेवल है, दूसरा डिप्लोमा लेवल है, अगला ये डिग्री लेवल है, उसमें एक इससे जस्ट पहले BSc वाला भी था, बस इतना सा अंतर है, बाकी सारी कहानियाँ एग्जैक्टली आपको सेम नजर आने वाली हैं। यहाँ सर्टिफिकेट लेके निकलोगे तब आपको 44 क्रेडिट पढ़ने पड़ेंगे, इसके बाद आपको डिप्लोमा कोर्स में 42 पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपको 56 क्रेडिट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अंतर समझ में आ जाएगा, और एडमिशन उसी तरीके से ले सकते हैं, तो उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, अलग से बता नहीं रहा हूँ मैं, एकदम सेम है प्रोसेस, एकदम से सेम है जो हमने वीडियोज़ में शुरू में डिस्कस कर लिया है। जे एडवांस की कहानी आपको बता चुका हूँ, एक मिनट भैया आ जाओ। जे एडवांस कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फॉर फाउंडेशन लेवल कोर्सेज एंड स्टार्ट द प्रोग्राम डायरेक्टली, मतलब समझे क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, जे एडवांस के बच्चे को क्वालिफायर एग्जाम की कहानियों में नहीं फंसना है, क्योंकि आपने क्वालिफाई तो कर ही लिया है एक एग्जाम जो कि IIT के लिए जरूरत होती है, तो वो इसलिए क्वालिफायर एग्जाम आपसे नहीं करवा रहे जो जे एडवांस क्वालिफाई करेगा उनके लिए। अरे बात ठीक ठाक है क्या? हाँ सर, भेजे में घुस गई बात आपकी एकदम। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, जुलाई 2023 बैच, ये कौन से की बात कर रहा हूँ मैं? बोलो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जुलाई 2023 बैच के लिए यहाँ पर लिखा गया कि 25 जून तक आपका एप्लीकेशन भैया क्लोज हो जाएगा। क्लियर है मामला? आइए अगला देखते हैं, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से भैया देखो यहाँ पे पैसा लगता है ठीक ठाक, यहाँ अप्लाई करने के लिए लगता 6,000 रुपया जनरल कैटेगरी OBC एंड EWS के लिए, पैसा ज़्यादा लग रहा है गुरु, जितना था उतना डबल लग रहा है इधर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, फी स्ट्रक्चर की बात करें, टेंटेटिव टू बी फाइनलाइज्ड, ये उन्होंने लिखा हुआ अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखना भैया, फाउंडेशन के लिए लिखा फी पर क्रेडिट, एक क्रेडिट के लिए 1,000 रुपये, यहाँ पे देखें दो तरीके के वहाँ पर क्रेडिट्स होंगे, तो इस तरीके 1,000 और 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रेडिट अगर 8 रहेगा तो इधर 8,000, अब 36 ऐसे वाले कंप्लीट करने, इसमें 2,000 रुपये लगेंगे कुल मिला के, यार इतने मत फंसो, इधर है पैसा, पैसा इधर है, इतना लिखा है। टोटल फीस फाउंडेशन 80,000 रुपया देना पड़ेगा, रुपया नहीं देना, इधर रुपया लगेगा जी, है ना। डिप्लोमा के लिए आपको ओवरऑल कहानी पता कि देख लो 2,500,000 रुपये गए सिंपल। BSc इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में, अरे बाप रे बाप,
इतना रुपया जाएगा आपके घर का। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छी बात क्या भैया, ये थोड़ी ठीक है कि फैमिली इनकम के हिसाब से इन्होंने सेट कर रखा है, थोड़ा आपको छूट वगैरह मिल जाएगी। देखिएगा इसमें वैसे हमारे इंडिया के जो फैमिली का मतलब इनकम वगैरह दिखाते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं इतने बीच में ला देते हैं, 1-5 लाख के बीच में या 1 लाख से नीचे, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इजीली बन जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ जालसाजी करो नालायकों, लेकिन होता है, मैं ये बता रहा हूँ जस्ट, है ना, वायरल कर दो काट के कि भैया ये देखो क्या सिखा रहा है ये आदमी, ये तो होगा, करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं लोग, यही तो दिक्कत है हमारे देश की, विडंबना ही यही है भाई। आइए देखते हैं EWS OBC NCL कैटेगरी, अगर आप इसमें आते हो और आपकी फैमिली इनकम जो है 1-5 के बीच में है तो ट्यूशन फीस 50% आपका माफ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर, EWS OBC NCL कैटेगरी 1 लाख रुपए से अगर कम है, या आप SC ST कैटेगरी में आते हैं या PWD में आते हैं, तो आपको 75% फीस आपकी माफ हो जाएगी। ये थोड़ी ठीक चीज लगी, क्योंकि फीस यहाँ पे देखो ज्यादा है यार, इस वाले डिग्री में देखो BSc इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फीस ज्यादा है। अगर ये अगर कोई SC ST का बच्चा अगर 75% माफ हो जाए, कितनी अच्छी बात है यार, कितनी सुकून की बात है घर वालों के लिए, ठीक है जी। आइए आपके लिए जी थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जरूर बताइएगा किस कॉलेज के बारे में जानना है, और मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि कुछ टीचर्स को भी लेकर के आऊँ अपने वीडियोस में, कि भैया वो अपने कॉलेज के बारे में खुद से बताएं। तो आप कमेंट करिएगा, थोड़ा आपको अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक पढ़ते पढ़ते कि कौन सा टीचर कहाँ से है, तो मैं भी कॉन्टैक्ट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।